अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम डी गोट फार्म। लास्ट वीडियो में आपको एक से एक बकरे दिखाए हमने, ये एक और वीडियो जहां पर नायाब कलेक्शन ऑफ डी गोट फार्म देख रहे हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत ही उम्दा बना हुआ बकरा बोलेंगे भाई, तैयार बकरा। सीना, पैर, चेहरा बहुत शानदार दानिश भाई। कब आया था, कैसे इसका हुआ वेट गेन? ये भी बकरा मैं इंदौर से लिया था जी, दो दांत का लिया था। ये भी मालवा कोटा क्रॉस में ही है मेरे हिसाब से जी, बराबर। दो दांत पे लिया था, दो दांत पे इसका वजन था 50 किलो। ओके, तो बकरे अपने को अच्छे लगे थे, अपन लेकर आए थे। बकरा माशाल्लाह पाला, आज बकरा 85-86 किलो पे खड़ा है वो, माशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके ऊपर ही होगा, मैं एक अंदाजा मेरा 85-86 किलो बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जो भी लेगा उसके ऊपर ही होगा। एक अलग ही रुबाब है बकरे के अंदर, बकरे में रुबाब बहुत अच्छा है। ये तो गंदा किया है कुछ सर, थोड़ा एग्रेसिव भी है बकरे की ये बकरे का ना, सिर्फ जो शेप है ना आसिम भाई, ये शेप दो दांत पे भी ऐसे ही था, मतलब एकदम गोल मटोली दिखता था। अच्छा, मतलब ये है हेरिडिटरी है, हाइट कम थी लेकिन गोल ही दिखता था। अभी तो माशाल्लाह 39 हाइट कर लिया इसने। कमान वगैरह भी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। कलर अच्छा है बकरे का, रुबाब अच्छा है, चेहरा देखो। इस साल के लिए किसी को कुर्बानी के लिए चाहिए, अभी छठा था तो फ्रेश निकाला है जी बकरा। ये तैयार ही सीना देखो, सिक्के वगैरह, रिंकल्स बहुत उम्दा बहुत। तो ये आपने आगे सेल किया है कि आपके? ये भी जुबैर भाई को मैंने दिया था जब मैं ये लाया था, बकरा ईद के बाद उनको दिया था। अभी वो प्लान किए है कि अपने अच्छे पैसे लगेंगे तो बेचेंगे। सही है, पेटी वगैरह भी शानदार है इसकी, बहुत बहुत माशाल्लाह, मतलब अच्छी चीज़ है। अगर कोई ले, ये मेरे पास स्पेशल पलाई पे ही पल रहा है। अच्छा, अगर इसको चालू है तभी वो बनावट पे। जब जुबैर भाई का ऐसा है ना भाई, वो बकरे खरीदते ना तो वो पलाई नहीं सोचते, वो बकरों को अच्छे से अच्छा खिलाओ। मेरे जो नॉर्मल पलाई है उससे बेहतर आप खिला सकते हो, क्या एक्स्ट्रा डाल सकते हो। स्टार्टिंग से उन्होंने बोले इसको दूध और चने पे रखो, बकरा स्टार्ट से चना खा रहा है, दूध खा रहा है, पत्ता खा रहा है। उसकी डाइट पूरी जैसे भराई के बकरों की डाइट जो रहती है ना, वो डाइट तो ये रखे पर खुद खाने वाला है। हाँ, पर खुद तरीके से ये पल रहा है, सेम स्पेशल पलाई पे यही दूध और चने पे आगे अगर इसी ने किसी को कंटिन्यू रखे, बकरा ईद तक इंशाल्लाह ताला 110-115 किलो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी 85 के ऊपर ही है बकरा, और बकरे में अभी भी है ना बहुत झोल है। आप तो समझते हो आसिम भाई, आप इतनी घूमते हो, बकरे में जगह देखो अभी बहुत ढीला बकरा है अभी भी। भराई पे रख सकते हैं अब इसको 3 महीना? नहीं, मजा आ जाएगी भाई, क्या बात है। ये बकरा तो मेरे नज़र में तो साल पलटी के लिए भी लाइक का जी, साल तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक्चुअली मालवा में ही है जी, मालवा का जो स्ट्रक्चर, जो फिटिंग होती है ना, जो गोलाई होती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है जी। मालवा बकरे मेरे को पर्सनली इसीलिए पसंद है कि उनकी जो गोलपन आता है ना, भले थोड़ी हाइट 40 नहीं रहती है या 42 नहीं रहती, लेकिन लुक 33 हाइट पे भी वो बकरा लुक दिखाता है, लुक दिखाता है। अब ये बकरे की हाइट 39 है, और ये लिया था मैं जब 36 हाइट पे था, मैं तो सोचा था कि 36 पे रहेगा या बढ़ेगा नहीं, बट माशाल्लाह इसने हाइट भी बढ़ाया। बकरे का कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम शेडो कलर है। ये इसने गंदा किया है, ये साइड से इसका कलर देखो, तो जिसको भी लेना हो इंशाल्लाह कांटेक्ट कर ले आपसे। इसका रेट वगैरह आप फ़ोन पे बता देंगे ना? चलेगा, अभी भी बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 85,000 रुपीज़ मांग रहे, 85,000 सही। और इसका जो आगे का रहेगा वो आप बात कर लीजिए दानिश भाई से, पलाई पे स्पेशल पलाई या भराई, कहाँ इसको रखना है ना। चलिए आइए नेक्स्ट बकरा देखते हैं। तो दानिश भाई नेक्स्ट बकरा देख रहे हैं, नस्ल क्या मानेंगे इसकी आप? भाई मैं आपके हिसाब से, हाँ सिरोही है, यूनिक है, थोड़ा कलर यूनिक है, कलर अच्छा है, थोड़ा फरी है, बाल बहुत अच्छे हैं, हाइट बहुत अच्छी है, 40 हाइट पे बकरा है, 78 केजी लाइव वेट है अभी इसका। लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छे निकाल रहे बकरे, बकरे सब अच्छे क्वालिटी के ही है सिम भाई, हर नस्ल में आपको इंशाल्लाह इस साल क्वालिटी ही बेचेंगे। बकरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। यह आया क्या वजन पे था अजीम भाई? ये बकरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे पास, 2.5 महीना हुआ है, बहुत अच्छे है। पेटी वगैरह एकदम 82 के जी, सॉरी यार बोला ना मेरे से ज्यादा आज डिटेल। सही है, 82 किलो पे बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे के फर बहुत अच्छे है, बकरा नहाता धोता है ना भाई,
बहुत अच्छा लगता है, बाल वाल हिलते ना उसके, बहुत खूबसूरत। तो ये भी सेल आउट है अभी आगे। कितना मांग रहे हैं इसका भाई? 50,000 रुपीस। और ये वजन में आप बोले 82, सही है। और ग्रोथ भी अच्छा ले रहा है, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बकरा तक 100 भी चला जाए इंशाल्लाह। दांत भी दिखा रहा है, गरम भी है, 6 दांत है अभी। मुंडे बकरों में गरम आते तो बहुत एंटीक दिखते हैं ये। शानदार। तो अभी इसके बाद में देखेंगे एक जोड़ी, जोड़ी देखेंगे सारेन की, उसको भी खोलो ना। चलिए। सो माशाल्लाह एक साथ दो नगीने देख रहे दानिश भाई, दोनों सानियन में ही है। दोनों सानियन में। तो ये भी फॉर सेल है कि स्टॉक के लिए निकाले हमने? भाई ये हमारे कस्टमर है जी, नूर भाई जी, उनके बकरे है ये माशाल्लाह। अपने से लिए थे ये बकरा, और ये बकरा उन्होंने कहीं से लिए थे, तो दोनों अपने पास पलाई पे थे। ये लगभग 10 महीना हो गया इनको अपने पास पलाई पे। सही है माशाल्लाह, बकरे इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे थे। लास्ट ईयर वो कुर्बानी के टाइम घर पे लेके गए, उसके बाद फिर लाके रिपीट किए, अब ये साल पाले। अब उनका इरादा थोड़ा ब्रीडिंग का चल रहा है, तो कुछ इम्पोर्टेड मेल ले रहे हैं जी, तो उन्होंने इरादा बनाया कि अपन बेचेंगे। सही है। तो ये दोनों फॉर सेल है, दोनों फॉर, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। हाँ, पहले कौन सा देखते हैं? इसका नाम है नवाब। नवाब बकरे की डिटेल है, 6 दांत पे है, 7वां 8वां दांत अभी फ्रेश निकाल रहा है। बकरा 80 किलो वजन है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने फार्म पर आया था भाई 58 किलो, 58 केजी का। आज करीबन इसको साल भर हो गया है, 80 किलो पे सानन के हिसाब से तो सानन उतना ही जाएगा ना। सही है बकरा माशाल्लाह। लेकिन तैयारी जो बताया, पेटी जो खोला है, अब देखो नॉर्मली सानन में पेटी नहीं मिलती थी, गर्दन देखो, बकरा बहुत अच्छा तैयार है। और बकरे में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, बकरा नया बकरा, क्योंकि ये आया था 4 दांत पे था जगह, अब जाके इसने 6वें 7वें दांत निकाला। बराबर। और सिक्के वगैरह के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अरे मैं सिंग बहुत अच्छी है, मैं इसको इम्पोर्टेड में काउंट नहीं करूँगा ये बकरे जी, बट इंडियन में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी है। चेहरा वगैरह भी काफी अच्छा, काफी अच्छा है। जो हम लोग पहले जैसे किलर था, बागजी था, जी सभी इंडियन में ही थे, और इंडियन में ही फ्रेम जो आती है वो इंडियन में ही इंडियन में आती है। बकरा बहुत अच्छी बनावट लाया है, मतलब बोर के जैसा गोला ही है इसमें। सही है। ये थोड़ा भाग रहा है, तो एक जगह बांध लेते ना तो अच्छे से शूट हो जाएगा। सही। तो उसको बांध देंगे, अभी दिखा दी हमने उसको, अभी हम बांध देते हैं। इसकी डिटेल बता दें। सही है, क्योंकि बकरा पकड़ के बकरा दिक्कत नहीं आता। बराबर। ये चीज है ना अजीम भाई, इसके फर क्वालिटी देख रहे हैं आप? वो हम लोग, मैं और भाई अभी डिस्कस कर ही रहते हैं इस बारे में। ये एक्चुअली ये जो है ना, ये इम्पोर्टेड सानन में अंगूरा क्रॉस हो गया है। अच्छा। इसके जो फर क्वालिटी है ना, ये पूरे अंगूरा जैसे, सेम अंगूरा जैसे, कैट फर, कैट फर है पूरे बकरा। हम लोगों ने इसको तो बहुत दिल से पाले है, खेल का बकरा है ये, तो आप समझ सकते हैं। बराबर। गर्दन देखो, इसकी तैयारी देखो, इसका सील पेटा देखो। इसका नाम क्या बोले आपने? बाबा और नवाब। अच्छा, ये नवाब है, ये बाबा है, सॉरी नवाब है। माशाल्लाह बकरे की सिंग बहुत बड़ी है, जो सानन में इम्पोर्टेड में जैसी खड़ी सिंग आती है वैसी खड़ी सिंग में है माशाल्लाह। तैयार बहुत अच्छा हुआ भाई बकरा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मैं जो सोच रहा हूँ बकरा भाई को दिया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा वैसा नहीं था। सही है। तो इसको भी बांध के एक बार दिखा देते हम लोग। सो दोस्तों, हमने आपको ये दोनों बकरे दिखा दिए, अभी इनको आप देख सकते हैं नॉर्मली ये बंधे हुए हैं। बहुत अच्छा वेट गेन और अच्छी तैयारी पे बकरे, बहुत अच्छी तैयारी किया दिल, मतलब मैं खुद अगर सैटिस्फाई हूं ना तो मैं बकरे की तारीफ करूं। सही है, बकरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे तैयार हैं। और ये दोनों बकरे देने हैं? दोनों बकरे देने हैं, नूर भाई का ब्रीडिंग के लिए आगे सेटअप करने का प्लान है जी, तो वो कुछ अलग देख रहे हैं, कुछ अपग्रेड लेना चाह रहे हैं, इसीलिए बेचने। सही है। तो वैसे क्या कीमत कर रहे हैं हम लोग इनके भाई? ये दोनों के 1,80,000। अच्छा, कोई दोनों ले ले तो, और सिंगल के लिए अलग से बात कर ले आप। अलग अलग रहेगा इसका रेट, अलग रहेगा। सही। सो बाबा और नवाब आपको जोड़ी में ले तो मज़ा आ जाए। जो लोग कुर्बानी करते हैं सानन को ना जी, उनके लिए तैयार सानन मिल रहे हैं रेडीमेड, और हर साल हम सानन बेचते तैयार करके, लोग खरीदते माशाल्लाह कुर्बानी के लिए भी, तो उनको ये रेडीमेड सानन मिल रहे हैं। कॉल कर सकते हैं आपको। और मुझे पता है कि ये बकरे भी जोगेश्वरी ही बिकेंगे, हर साल सानन मैंने जोगेश्वरी में बहुत बेचा। सही है। तो जोगेश्वरी वालों के लिए इंशाल्लाह कोई स्पेशल ऑफर भी रहेगा, फ़ोन करें आप लोग। जो कस्टमर का नाम बताया वो खुद भी जोगेश्वरी के। सही। जो अगर उनको जानते तो डायरेक्ट उनसे भी डील कर सकते। सही है। तो मज़ा आ गया आज की इवनिंग काफ़ी अच्छी रही, बहुत सारे बकरे देखे, टाइम ज़्यादा ले लिया नहीं, मज़ा आ गई।
चलिए इंशाल्लाह देखेंगे, अभी तो वो सेटअप पे जा रहे हैं, और भी कुछ बकरे समझ में आए तो बनाएंगे इंशाल्लाह भाई। सही है। और रमज़ान बाद तो बहुत लाइन से जो भी तैयारी हुई है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह लोगों के सामने आएगी कि डी गोट फार्म पे तैयारी क्या है बकरों की, क्या होती है ना। विदाउट लाइक देखा है तो साल भर आपका कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, आप खुद ही करते रहे जो भी आपसे बन पड़ा, लेकिन उसके अलावा भी आपने जो तैयारी है वो लोगों को दिखना ज़रूरी है। आसिम भाई हम लोग एकदम बेफिक्र होकर काम करते हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आसिम शेख का चैनल, तो हम लोग बेफिक्र होकर हमारी मेहनत करते रहते हैं, हमको मालूम है कि हमारी जो मेहनत है, हम लोग जो डिज़र्व करते हैं वो आपके चैनल पे लोगों को दिखाया जाएगा, तो बेफिक्र होकर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपके चैनल पर प्यार देते हैं, हर साल देते हैं, स्टार्टिंग से माशाल्लाह अच्छे से अच्छे बड़े बकरे बेचे हैं, बड़े बड़े बकरे तैयार करके लोगों को दिखाए, जो ट्रस्ट आपने हम लोगों पर किया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करके हर साल बताए। सही है, चलते रहेगी अपनी जर्नी इंशाल्लाह। सो डी गोट फार्म के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ, वैसे तो पता नहीं बराबर बोल पाऊंगा कि नहीं, चाचा की याद आ रही है भाई चाचा को अल्लाह अच्छा रखे, सही कर दे इंशाल्लाह। सही है। तो ये बात है कि मतलब वो जान भी ले लेते हैं तो कुछ नहीं होता, हम छींक भी देते तो हो जाते बदनाम। चलिए ये वीडियो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ और दानिश भाई की हंसती हुई एक स्माइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।